लर्न कर लेना है, लर्न करके अपने अपने राइटिंग पैड पे राइट कर लेना। इसके बाद मैं आपको जो चीज़ करवाऊंगी वो है आपके क्वेश्चन आंसर्स। सो इसके बुक पे 5 क्वेश्चन आंसर 6 क्वेश्चन आंसर मेंशन है, लेकिन हम सारे नहीं करेंगे। मैं आपको जस्ट ओनली 3 क्वेश्चन आंसर ही करवाऊंगी, क्योंकि फर्स्ट के लेसन के हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, तो सेकंड के आपने सिर्फ फ्यू करने हैं। आंसर्स दिस क्वेश्चन आर वेयर डज द ब्रू कम फ्रॉम, ब्रू कहाँ से आया। द ब्रू कम्स फ्रॉम द प्लेस विच इज़ फ्रिक्वेंटली विजिटेड बाय कोर्ट एंड हॉर्न्स। वेयर डज द ब्रूक जॉइन द रिवर्स। द ब्रूक डिस्क्राइब्स द जर्नी ऑफ ए स्ट्रीम फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ ओरिजन टू मेक द रिवर्स दैट इज जॉइन। वाई डू द वाटर्स ऑफ द ब्रूक स्पार्कल। द ब्रूक स्पार्कल बिकॉज ऑफ द सन सेज विच शाइन ऑन इट्स वाटर। आप देख सकते हैं कि मैंने आपको क्वेश्चन इसके जस्ट ओनली करवाए हैं, आपको मैंने आपको करवाया है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। 1, 2, 4 3 वाला, 5 वाला और 6 वाला कट है, और जो आपने नहीं करने। स्टोरी के इतने चीज़ इनफ होती है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हमने जो बिगेस्ट चीज़ होती है वो हमने करनी होती है समरी। सो दैट्स वाई मैंने आपको 3 क्वेश्चन ओनली करवाए हैं। सो इस तरह से मैं आपके चैप्टर का रिकैप भी रेडी कर देती हूँ। हमने चैप्टर में सिर्फ सबसे पहले स्टार्ट जो किया द ब्रूक का, मैंने आपको वर्ड बैंक को एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद रीडिंग आपको वो अवली सेंड की थी पूरी आपकी स्टोरी की। फिर उसके बाद मैंने आपको कॉपी पर जो आपने सिर्फ 4 चीज़ें इसकी करनी है, 4 चीज़ें कौन कौन सी करनी है, वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस, और इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स और समरी आपने राइट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स की फिर मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, मैं सेपरेटली भी पिक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दूँगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और समरी की पिक्चर भी मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। तो ये आपका टास्क, और इस तरह से आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया, ठीक है। ये वाली चीज़ आपकी कट है, आपने नहीं करनी, इसमें से और कोई चीज़ नहीं करनी। हाँ, ये एक टास्क मैं आपको साइन करूँगी कि आपने ये करना है, रीड द लाइंस केयर।